हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे हम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम देखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और एक प्लेन सीट। एंड फॉर ए प्लेन सीट हम डिस्कस करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसके लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलराइट, गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, गॉस लॉ से हमें ये पता चला कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इन ए सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ। ठीक है, और यही गॉस लॉ को यूज करके हम देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, व्हेन एवर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर इज देयर एंड ए प्लेन सीट इज देयर। ऑल राइट, ओके। तो हमने यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिया है। ठीक है, सपोज इट हैज अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ऑल राइट, सपोज इट हैज ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। ऑल राइट, सपोज इट हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू डिवाइडेड बाय एल। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट अ डिस्टेंस आर। सपोज आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। ऑल राइट, तो व्हाट वी हैव टू डू, इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड व्हाट इज अ गॉसियन सर्फेस। ऑल राइट, द गॉसियन सर्फेस आर द सर्फेसिस इन विच सम चार्ज इज इनक्लोज्ड। ऑल राइट, तो ये हम क्यों यूज करते हैं गॉसियन सर्फेस, इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका यूज कैसे करेंगे, वी विल चूज ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सर्फेस लाइक दिस। ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी गॉसियन सर्फेस एंड इट हैज अ रेडियस ऑफ आर। सपोज दिस मच इज आर, द रेडियस इज आर एंड द लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, वी हैव चूजन ए गॉसियन सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विच हैज अ लेंथ एल एंड रेडियस इज हाउ मच आर। ऑल राइट, एंड what else we will see, we will take three surfaces, we will take three surfaces। ठीक है, हम तीन surface लेंगे लाइक दैट। ठीक है, ds1, ऑल राइट, ds2 एंड ds3। ऑल राइट, तो ds1 ds2 हम कहाँ पे लेंगे, हम dsn वहां पे लेते हैं, an elementary surface, let this be ds1। ऑल राइट, विच इज ऑन द कर्व सर्फेस, इसको जो कहते हैं इसको कर्व सर्फेस ऑफ द सिलेंडर कहते हैं। सपोज ये है हमारा ds1। ऑल राइट, नेक्स्ट यहां पे एक सर्फेस लेते हैं। ऑल राइट, लेट दिस बी ds2। ऑल राइट, और ये नीचे एक सर्फेस लेते हैं, लेट दिस बी ds3। ऑल राइट, तो थ्री सर्फेसेस वी हैव टेकन। ऑल राइट, नाउ सी इफ दीज आर द एलिमेंट्री सर्फेसेस देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द डिरेक्शन ऑफ देयर नॉर्मल्स, what will be the direction of their area vectors. All right, so the area vector in this case will be towards like this vertical, okay, because the surface is like this na, so the normal vector will be n cap. All right, the area vector will be normal to the surface. Similarly here the normal vector will be downward. All right, so this is the area vector here. All right, and at this point the area vector will be from left to right, this will be the area vector. All right, and now see what will be the direction of electric field. As it is a positive charge, the direction of electric field must be away from the charge. It will be, you know, along this direction, along right side, and the electric field will be along this direction in the left side. All right, so this is the direction of electric field. Now here see, in this surface ds1, the area vector and the electric field both are in same direction. All right, but here what happens, the electric field is from left to right but the area vector is normal to that, so the angle is 90 degree. Here also the electric field is from left to right but the area vector is normal to the electric field, so here also in 90 degree. All right, so now what we have to do, we have to take the electric flux through all the three surfaces. All right, so now suppose if I want to calculate the total electric flux due to all the three surfaces, okay, all the three surfaces of the cylinder, then what we have to do, suppose that is equal to phi is equal to suppose phi 1 plus phi 2 plus phi 3.
ऑलराइट, वेयर फाइ वन फाइ टू फाइ थ्री रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कर्व सरफेस एंड द टू बेस सरफेसेस. ऑलराइट, सो इंस्टेड ऑफ फाइ वन मे आई पुट लाइक दिस, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी एस वन, इज इट ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी एस टू, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस थ्री. ऑल राइट, नाउ लेट्स सॉल्व दिस. ऑल राइट, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड ई हियर, दे आर पैरेलल, दे आर इन द सेम डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट सर्फेस, सो इट विल बी जीरो डिग्री. प्लस सिमिलरली दिस विल बी ई डी एस टू, दिस वन हियर, it will be cos 90, is it? For the second surface, the area vector and the electric field both make an angle 90 degree. Alright? Similarly, the third surface as well, DS3 cos 90. So, these two terms will be vanishing. These two terms will be zero. Okay? So, what we are left with now, it will be integration of EDS1. Alright, or if I will take the electric field constant, it will be the surface. Alright, surface integration of this curved surface. Alright, so what is the total surface? How much will you get? What is the total surface of the cylinder? The total surface of the cylinder will be 2 pi r into L. Alright, so this is equal to your phi. Okay, so how much do we have got now? So the total electric flux is equal to E into 2 pi RL. Now, from Gauss law, we know that the Gauss law states that according to the Gauss law, phi is equal to Q divided by epsilon naught. Alright, and instead of Q, how much we can write? We have taken that lambda equal to Q divided by L. So, Q equal to lambda L, alright, and this we will put here, alright, so the total charge enclosed in the Gaussian surface will be how much? This charge is equal to lambda into L divided by epsilon naught, alright. Now see, here we have got phi is equal to E 2 pi RL, and here we have got phi is equal to lambda L divided by epsilon naught. Let's equate them, alright, so now we got E into, alright, 2 pi R L is equal to lambda L divided by epsilon naught, alright, so the L, L cancel, alright, so we now got electric field is equal to lambda divided by 2 pi R epsilon naught, so this is the amount of electric field due to a straight long straight wire, alright, uniformly charged long straight wire, A is equal to lambda by 2 pi r epsilon naught. Clearly from this formula we understand that the electric field is inversely proportional to the distance, so as distance will increase the electric field will decrease, okay, so the formula is like this, alright. So let's once again see how we got that formula. Alright. So first हमने क्या किया, हमने तीन surface लिए, ठीक है, एक Gaussian surface हमने assume किया, cylindrical Gaussian surface, ठीक है, और इसमें हमने तीन area लिया, ठीक है, DS1, एक हमने curved surface में लिया, दूसरा हमने लिया ये जो circular एक surface है, base है, ओके, तीसरा भी हमने एक circular base में लिया, ओके, DS1, DS2, DS3, ये तीन सरफेस हमने एज्यूम किया है, ऑलराइट, और हमें क्या करना है, ये तीनों सरफेस में, ऑलराइट, ये तीनों सरफेस के थ्रू कितना हमारा फ्लक्स जा रहा है, हमें इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, तो टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा, सो द टोटल फ्लक्स विल बी phi1 plus phi2 plus phi3, ऑलराइट, नाउ phi1 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E dot DS1, ऑलराइट, इंटीग्रेशन ऑफ E dot DS2, इंटीग्रेशन ऑफ E dot DS3. So now here EDS1 cos naught. Why cos naught? Because here, okay, for the first surface, okay, the angle between the area vector and the electric field is 0 degree. Both are in same direction. So we got 0 here. Alright. In the second surface, what happens at this point? What happens? The angle between the area vector and the electric field vector,
ओके इज इक्वल टू 90 डिग्री सो वी पुट 90 डिग्री एंड सेम फॉर द लोअर सरफेस एज वेल सो दीज टू कैंसिल ओके ये दोनों क्वांटिटीज जीरो हो गए हमारे तो अभी बचा कितना बस ए इंटू डी एस वन वेर डी एस वन रिप्रेजेंट द सर्फेस कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मतलब ये वाला ये जो दोनों ये पूरा एरिया है ये ऊपर का दो छोड़ के ठीक है दिस वन एंड दिस वन वी विल लीव बिकॉज दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो टोटल कर्व सर्फेस हमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल कर्व सर्फेस सो द टोटल कर्व सर्फेस विल बी ई डी एस वन ऑल राइट एंड डी एस वन विल बी हाउ मच द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRL ओके सो ये हमें मिल गया सिलेंडर के लिए And from Gauss law, you know that phi equal to q by epsilon naught. So instead of q, we can put lambda into L, where lambda is the linear charge density. All right. So putting these two equations, okay, we got E is equal to pi lambda by 2 pi r epsilon naught. All right. Okay. So this is the value of electric field due to an infinitely long straight wire. All right. At a distance r from the wire. हेलो डियर स्टूडेंट्स अभी हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट ओके एक प्लेन सीट में सपोज हमने कुछ चार्ज दिया है तो उसके लिए कुछ डिस्टेंस पे यहां से यू नो यहां पे आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो सपोज हमें गिवन है कि इसका एरिया सपोज ए है ठीक है सपोज एन द एरिया इज A, all right, and it has a uniform charge density. Okay, suppose it has a uniform charge density. Sigma is equal to Q divided by area. All right, sigma is equal to Q divided by its area. तो ये suppose हमें given है. तो हम यहाँ भी Gauss law का use करेंगे. Gauss law use करके हम यहाँ इसके लिए कितना electric field हो रहा है, वो calculate करेंगे. ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखो, हम जैसे पिछले लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जैसे हमने तीन एरिया लिए थे एलिमेंट्री एरिया डीएस वन डीएस टू डीएस थ्री यहां पे भी ले सकते हैं ठीक है हम दो एरिया लेंगे यहां पे ठीक है सपोज वी आर टेकिंग नो थ्री एरियाज सपोज मैं यहां पे डीएस वन ले रहा हूं और इस एंड में मैं ले रहा हूं डीएस टू ऑल राइट एक और सर्फेस में लूंगा डीएस थ्री जो कि कर्व सर्फेस में है अच्छा ठीक है तो क्लियरली हमें यह पता चल रहा है कि हमें यह तो ऑलरेडी पता है कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दिस विल बी टुवर्ड्स दिस ऑल राइट राइट साइड में टुवर्ड्स राइट होगा लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स लेफ्ट होगा ऑल राइट और इनका जो एरिया वैक्टर है इसका जो एरिया वैक्टर है वो क्या होगा टुवर्ड्स राइट होगा ओके इसका भी जो एरिया वैक्टर है टुवर्ड्स राइट होगा बट वॉट अबाउट दिस इसका जो एरिया वैक्टर है ये होगा ऊपर की तरफ वर्टिकल ऑल राइट सो ऑब्वियसली इसके लिए हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच एंगल हमारा बढ़ जा रहा है ठीक है यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा इसके लिए देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस सर्फेस बिकॉज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल इज 90 डिग्री हियर सो फॉर दिस कर्व सर्फेस देर विल बी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो रहा है देखते हैं इस गॉसियन सर्फेस के लिए तो हमने यहाँ पे एक गॉसियन सर्फेस कंसिडर किया है सिलिंड्रिकल जिसका टोटल लेंथ है 2R ठीक है द टोटल लेंथ ऑफ द गॉसियन सर्फेस इक्वल टू 2R ठीक है यहाँ पे R ऑलराइट आप ये जो विथ है इसका जो रेडियस आप कितना भी ले सकते हो डजेंट मैटर ऑलराइट तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे द टोटल फ्लक्स ड्यू टू द एंटायर यू नो प्लेन सीट ऑलराइट थ्रू द गॉसियन सर्फेस कितना हो रहा है देखते हैं सो फाइ इज इक्वल टू यहाँ पे भी फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री ऑल राइट तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम फॉर्मूला ई डॉट डी एस वन प्लस वेक्टर ई डॉट डी एस टू प्लस वेक्टर ई डॉट डी एस थ्री ऑल राइट तो ये आ गया हमारा तो इन तीनों सरफेस में से ई और डीएस वन के बीच एंगल कितना है यहां पे देखो वेक्टर ई और डीएस वन के बीच एंगल जीरो है सो ये सिंपली हो जाएगा ई डी एस वन प्लस डीएस टू के बारे में देखो यहां भी वैसा ही है ठीक है द सेम यू नो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है सो यहां पे भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस टू ऑलराइट प्लस ये क्या हो जाएगा ये जो बनेगा ये हमारा जीरो बन जाएगा बिकॉज इट डजंट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड
तो अभी ये जो एरिया हमें दो मिला, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे अब ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस वन प्लस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस टू। अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो हमने लिया था, ठीक है, सिलेंडर, हमें ये सिलेंडर ऐसा लेना है कि इसका जो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस शुड बी ए। ऑल राइट, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस शुड बी ए इक्वल टू द प्लेन सेट। यहां पे भी हमको ए लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का सरफेस एरिया कितना है, इन दोनों का जो एरिया है, ठीक है, वो ए है। ऑल राइट, सो द टोटल, तो अभी ये कितना हो जाएगा, डीएस वन और डीएस टू, ठीक है, सो द डीएस वन एंड डीएस टू बिकम्स ए प्लस पी ए, सो द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, टू ई ए। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेसेस इज इक्वल टू टू ई ए आ गया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ के हिसाब से, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने क्यू के जगह कितने पुट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए है, तो क्यू के जगह कितना पुट सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। सो लेट्स पुट इट, सो सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फ्रॉम द गॉस लॉ। ओके, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं अभी, टू ई ए इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए कैंसिल, सो वी गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस यू नो आर। ऑल राइट, विल बी हाउ मच, दिस विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि दिस फॉर्मूला डज नॉट कंटेन आर, सो इट यू नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर। सो कितना भी दूरी पे जाओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो सेम ही रहेगा फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ओके, हियर द डिस्टेंस डजंट मैटर, सो ओनली फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। ऑल राइट, इट हैज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट इज हाउ मच, सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, देख लेते हमने क्या क्या किया है उसके लिए, ठीक है। तो हमने एक एरिया लिया था प्लेन सीट, ठीक है, देयर इज अ प्लेन सीट ऑफ एरिया ए। ओके, इसके इसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना था, सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, चार्ज पर एरिया, ठीक है। तो हमने इसको डिराइव करने के लिए क्या किया, वी हैव चूजन ए गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसका लेंथ है आर, दोनों साइड आर है, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ठीक है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाउ मच, ए, ठीक है, इक्वल टू द प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन शीट का जितना एरिया है, और इस ये जो सिलेंडर आपने लिया है गॉसियन सरफेस, ठीक है, उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ वी हैव टेकन थ्री सरफेसेस, ठीक है, थ्री हमने तीन सरफेस हमने लिया है यहाँ पे, डीएस वन, डीएस टू एंड डीएस थ्री, ठीक है, तीनों के लिए हमने अलग अलग से फ्लक्स कैलकुलेट किया है, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस थ्री, ठीक है, सो ई डीएस वन, ई डीएस टू, ई डीएस थ्री हुआ, और ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये दोनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इनके लिए फ्लक्स रहेगा, और यहाँ पे भी, ठीक है, पैरेलल है, बट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो रहा है, सो दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट, सो दैट ये ई डी एस थ्री जीरो हो गया हमारा। ऑल राइट, सो इन दोनों के लिए अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ई कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू, ठीक है, सो ये जो इंटीग्रेशन हमारा टोटल सरफेस कितना है, ए है, हमें पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, यहाँ पे भी ए है, सो ये हो गया फाइ हमारा टू ई ए। ऑल राइट, और गॉस लॉ से हमें क्या पता चलता है, गॉस लॉ कहता है फाइ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू के जगह हमने पुट कर दिया कि सिग्मा इंटू ए। ऑल राइट, जो हमने पहले ही ले लिया है, इन दोनों को इक्वल करने के बाद हमें क्या मिला, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और आप नेगेटिव चार्ज के लिए भी लोगे वो इतना ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब कितनी भी दूरी पे आप मेजर करो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही आएगा, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑल राइट, सो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। ऑल राइट,